सो वेलकम बैक गाइस अगेन। सो आज अपना लास्ट डे जयपुर में। सो आज हम विजिट करेंगे तीनों फोर्ट। सो निकलते हैं फोर्ट की तरफ। एंड गाइज, वो जो सामने देख रहे हो वो है जयगढ़ फोर्ट और वो सामने है अंबेर पैलेस। सो पहले वहाँ चलते हैं। सो राइट नाउ वी आर इन अंबेर फोर्ट। सो गाइड है, बताएंगे आगे क्या कर रहे हैं। हाँ सर, पंजाब से सर। हरियाणा? हरियाणा से। हाँ जी। अब ये देखो, आप जिस जगह को आप विजिट करने आए हो, जयपुर सिटी का पुराना राजधानी आमेर है, इज ओल्ड जयपुर है सर। नीचे शहर बना रखा है, 1000 साल पुराना है। डाउन में आदिवासी लोग रहते थे, मीना जाति, पहले अमीन लोगों का रास्ता है यहाँ पे, जो प्रेजेंट में IPS आ रहे सर। राउंड में देखने के लिए 365 मंदिर हैं। 50% डैमेज हो गए, 50% की रिपेयर चल रही है। अब डाउन में गवर्नमेंट तब से प्लाट वगैरह कट चुके हैं, कुछ आम जनता लोगों ने कब्जा कर रखा है। ये टॉप में देखो, अभी किले की बाउंड्री वॉल है 12 किलोमीटर और सिटी बाउंड्री वॉल। सर उस जमाने में टेलीफोन होते नहीं थे, टॉप में गुम्बद वगैरह बना रखे हैं, इन पर डोंट्स वगैरह रखे जाते हैं, नंगाड़े वगैरह बोलते हैं। बाउंड्री सब डैमेज होगी, राजस्थान सरकार ने सब दोबारा बनाई है, बनाने में 3 साल लगा है। अब देखो सर, बिल्डिंग आप घूमने चल रहे, 450 ईयर्स ओल्ड है। ये मानसिंह फर्स्ट का किला है, जो अकबर के चीफ कमांडर थे, जिन्होंने अपनी बहन जोधाबाई अकबर को दी थी। देखो सर, अकबर का तो ससुराल है और जोधा का घर है, जो आप विजिट करने चल रहे हो। गार्डन में आप खड़े हो, गार्डन का नाम है दलाराम गार्डन है। सामने पीले की जो बिल्डिंग बना रखी है, उस गार्डन का नाम है मोहनलाल गार्डन। दोनों आर्टिस्ट थे, दोनों कारीगरों ने मिलकर इस बिल्डिंग का मैप बनाया था। राजा ने इनकी यादगार में नीचे दोनों तरफ गार्डन वगैरह तैयार किए गए। जाने के 3 रास्ते हैं, गाड़ी जाता है बैक से पूरा राउंड लगा के। नीचे हाथी चलते हैं सर, 100 एलिफेंट है यहाँ पे, अभी 30-30 हाथी लगा रखे हैं। हाथी 1100 रुपये दो बंदे के जाने जाने के, चाहे गोरा बैठो चाहे इंडियन बैठो, रेट एक ही है। अपन वॉकिंग चल रहे हैं 5 से 7 मिनट के। अच्छा, ऑफिस है। पहले क्या, राजा के जो गेस्ट आते थे ना बाहर से, हाँ जी, उनको अंदर रोका जाता था। अब देखो इधर आइए आप, थोड़ा इस वाली छतरी में रानी बैठा करती थी, उस वाली छतरी में राजा लोग बैठा करते थे। अच्छा। अब उस जमाने में देखो, मूवी वगैरह नहीं होता था सर, ये पूरा स्टेज था, या वन नाइट नाच गानों का प्रोग्राम वगैरह रखा जाता था। अच्छा, गेस्टों के लिए। अब यहाँ पानी भरने के लिए कुंड वगैरह बना दी गई, वाटर टैंक। बीच में लेक वगैरह बना रखा है, लेक का नाम है माउंटा लेक है सर। टोटल बरसात का रेन वाटर नीचे इकट्ठा होता है। अब देखो सर, उस जमाने में कोई मशीन का साधन तो होता नहीं था, लेदर बैग मस्क के द्वारा ऊपर पानी पहुँचाया जाता था। 1 पैसा मजदूरी मिलती थी और दोनों टाइम का खाना दिया करती रॉयल फैमिली। सो रहा तो यहाँ कैफेटेरिया है, सामने वॉशरूम है और एक गेट ऊपर जाने का। उस जमाने में राजा के गार्ड होते थे, आम पब्लिक होती थी सर, उनके लिए आने जाने का रास्ता। राजा लोग हाथी घोड़ों पे लॉन्ग बे शॉर्टकट है, जिसमें जो स्टोन वगैरह लगा रखा है पूरे अरावली स्टोन है। क्योंकि जो पहाड़ जो देख रहे हो ना आप, गुजरात से लेके दिल्ली तक 7,500 किलोमीटर पूरा अरावली रेंज है। इसी स्टोन से पूरा किला तैयार किया गया है। कितने साल लगे तैयार होने में? 137 ईयर्स। 137 साल सर। राजस्थान में आप कहीं चले जाना पहले सन फोर्ट देखने के लिए, आपको पहाड़ी पे देखने को मिलेगा। पहाड़ी पे है सारे सुरक्षा के लिए तैयार किया जाता है। हाथी काम नहीं सीधे, यहाँ गाड़ी नहीं आती, यहाँ गाड़ी नहीं बोली, VIP एलिफेंट। ओके, हाथियों में कितना टाइम लगता है? हाथी में सर कम से कम 15-20 मिनट, हाथी नहीं चलता है ना। और हाथी का काम है पूरी ओल्ड वर्ल्ड में मोनोमेंट के लिए आमेर में होता है, और कहीं राइडिंग का नहीं है। जोधपुर, उदयपुर, जैसलमेर वहाँ कैमल राइडिंग चलते हैं सब माता है। अच्छा, नरेक भी नहीं है।
नारोली सेटिंग में जाते हैं शादी गाँव में, क्या माता को चलने नहीं देता है, क्या बरसात के टाइम में मस्ती आ जाती है हथी को, फिर वो टक्कर मारता है। अच्छा, दो तीन एक्सीडेंट हो चुके हैं। एलएसएस में एंट्रेंस गेट इज मेन गेट नेम इज सन गेट सर, मॉर्निंग टाइम में सूर्य इधर से निकलता है, ये पूरब दिशा है। ठीक ठीक। जयपुर स्टेट के इतने जो राजा लोग थे टोलो सूर्यवंशी थे सर। ये भाई वॉकिंग भाई एलिफेंट भाई वीआईपी गाड़ी में आते आप दिस गेट नेम इस मून गेट महारानी कंप्लीट चंद्रवंशी। लड़का और लड़की का गोत्र जब तक अलग अलग नहीं होगा जब तक मैरिड नहीं होगी सर। किंग सूर्यवंशी महारानी चंद्रवंशी, जहाँ पे आप खड़े ऑल ग्राउंड नेम ही जलेबी चौक। राजा के गार्ड होते थे उस जमाने में, मॉर्निंग टाइम में आप परेड किया करते थे। गार्डन गवर्नमेंट ने हटा दिया, स्टोन अभी लगाए गए। मूवी देखा आपने वीर सलमान खान फाइट चोडियर सर, लास्ट का पार्टी यहीं का है। अच्छा अच्छा। एंड बाजीराव मस्तानी इनसाइड इज वेरी गुड सॉन्ग। शूटिंग होता है किसी को अलाउ नहीं करते हैं, पूरी जगह कवर हो जाती है क्योंकि उनका पैकेज होता है 25 से 30 लाख रुपये पड़ेगा। अगर आप 30 लाख रुपये इन्वेस्ट कर रहे हो तो एक दिन के लिए जगह आपकी होगी ओनली शूटिंग के लिए, शादी विवाह नहीं होते सर यहाँ पे। टॉप में देखो आप लंगाड़े रखे हुए, उस जमाने में राजा के जो गेस्ट आते थे हाथी घोड़े बद्दों बैठ के आते थे, गेस्टों का स्वागत ढोल लंगाड़ों से किया जाता था। अभी चालू होने वाले ये जितना जो गेस्ट आता है 2 घंटे के लिए स्वागत होता है। एलिफेंट का ड्रॉपिंग वो सामने वहाँ ले जाके उतार देगा, खाली जाएगा। हाथी का आने आने का 1100 रुपये है। वो वापसी का नहीं उसको? नहीं सर वापसी का नहीं है, क्या वजन ज़्यादा है ना स्लिप हो सकता है। अच्छा अच्छा अच्छा। चिकने हो गए ना पत्थर चल चल के सर। नीचे जितने जो रूम देख रहे हो पूरे अस्तबल हैं, घोड़े बनते थे उस जमाने में। अगर टॉयलेट बाथरूम टिकट विंडो एटीएम वगैरह खुल जाएगा सर। ठीक है। कैंटीन वगैरह टॉयलेट बाथरूम सब खोल दिया। ये देखो आप, ये एंट्रेंस गेट है पैलेस का, मेन गेट नेम है सिंह पुल गेट सर। पहले राजपूतों के दास लगता था भगवान दास बारमल दास, सिंह का टाटा लग में दिया था मानसिंह को, उसके बाद में राजपूतों के सिंह लगना स्टार्ट हुआ है। अच्छा। पेंटिंग देख रहे हो आप, नेचुरल काम है टोटल। जो अपन हरी पत्ती खाते हैं पालक भतुआ गाजर, उसका नेचुरल कलर है सर। इसमें धूप गिरता है बरसात गिरता है कोई फर्क नहीं पड़ता, ये कैसे बनता है कैसे बनाया जाता है बिल्डिंग विजिट होने के बाद आपको नीचे दिखाया जाएगा। इन्हीं कलरों से पूरा आर्ट बनता है आपका। ये कपड़ा फट जाएगा लेकिन ये करल फेल्ट नहीं होगा। स्लो पाला रास्ता रानी के लिए, स्टे पाला रास्ता राजा के लिए सर। रानी रिक्शे में जाती थी, राजा भाई वॉकिंग, दोनों के अलग अलग रास्ते हैं। गाड़ी आपको अंदर बताई जाएगी। इनको दिखाओ सर टिकट। हाँ सर देखो, आप सिटी बताई मैंने आपको, 1000 साल पुरानी बिल्डिंग जो आप घूमने आए हो 450 ईयर्स ओल्ड है सर। बनाने में 137 साल लगा था, एक बंदा नहीं बना सकता है, 3 राजाओं ने मिलकर बनाया। पहला मानसिंह था, सेकंड मिर्जा राज जयसिंह थे एंड थर्ड सवाई जयसिंह। अभी आप थर्ड पार्ट में हो, स्टार्टिंग इसका बैक से अपन पीछे चलेंगे। ये आपके सामने मीटिंग हॉल, आम पब्लिक के फैसले होते थे सर। बीच में किंग बैठते थे सोने चांदी के सिंघा से लाकर आम पब्लिक बार ग्राउंड में 48 पिलर्स पे खड़ा किया गया मीटिंग हॉल। देखो सर 16 पिलर है, वाइट मार्बल के, मार्बल आता है मकराना से। 32 रेड स्टोन है राजस्थान करौली से। 2 फिगर है हिंदू एंड मुगल। टॉप में देखो आप एलिफेंट की सूंड के अंदर कमल का फूल, ये तो अपने हिंदू आर्ट पे है। नीचे देखो आप, ये बॉटम में मुगल आर्ट है। मानसिंह सिस्टर ने भी जोधाबाई मैरदिस अकबर, उस जमाने में क्या दबदबा ज़्यादा हो गया था, इन लोगों ने संधि कर ली थी, अपने बेटी विवाह कर लिए थे, इसलिए महाराणा प्रताप इनके खिलाफ हो गया था। दोनों किंग एक हो जाते, हिंदुस्तान की संतलक उसी जमाने में चेंज हो जाती,
और मुगल नाम की चीज इंडिया से खत्म हो जाती है, लेकिन दोनों को लड़वाया पावरफुल किंग थे उस जमाने की। जहाँ पे आप खड़े हो पूरा अंडरग्राउंड वाटर टैंक है, 50 फीट पे 50 फीट, जितना बड़ा बिल्डिंग आप अंदर हेर करेंगे, जितना जो बरसात का पानी गिरेगा पूरा पानी नीचे स्टोर होगा सर। ये उस जमाने में राजा लोगों के इमरजेंसी कोटे होते थे। ये एंट्रेंस गेट है सर पैलेस का, मेन गेट नेम इज गणेश पोल गेट, फर्स्ट हिंदू गोड इज गणपति। मूवी देखा आपने लम्हे, लास्ट का सीन सामने का ही सर, पेंटिंग देख रहा हो वही नेचुरल काम है, दोबारा कोई रिपेयर नहीं है। नीचे जितने जो रूम देख रहा हो पूरे अकाउंटेंट रूम में मुंशी लोग होते थे, अंदर बैठकर लिखा पढ़ी का काम किया करते थे। ये रोल किचन है सर, सरकार ने चूल्हे वगैरह बना के तैयार करवाए थे, पब्लिक डैमेज करके चली गई, सरकार ने वापस लॉक लगा दिया। तो लगान से चलता था। अब यहाँ से व्यू देखो आप कितना अच्छा व्यू। ये देखो आप पूरा शहर रिजॉर्ट जयपुर। पहला गार्डन बताया था मैंने आपको दलानम, सेकंड बताया था मैंने आपको मोहल्ला। जयपुर का हम पब्लिक सैफ्रन गार्डन के नाम से जानती है सर। राजा ने उस जमाने में कश्मीर से लाकर के केसर का प्लांट लगाया था। राजस्थान टेम्परेचर 48-49, केसर नो पॉसिबल। फिर राजा ने अपना दिमाग लगाया ठंडा करने के लिए, आर्टिफिशियल झील बनवाई, लेकिन फिर भी सक्सेस नहीं हो पाए। जोधा अकबर जो मूवी आपने देखा जिसमें गाना था जश्न बहार, सामने गार्डन फिल्माया गया। ओपन ग्राउंड देखो सर, वो चेयर वगैरह लगा रखी है, पहले वहाँ लाइट एंड साउंड चला करता था, लेकिन क्या है कि गवर्नमेंट ने क्लोज कर दिया कोरोना की वजह से, एक जगह आदमी इकट्ठे नहीं बैठ सकते ना सर। अब काम देखो आप, कोकोनेट सिंपल पाउडर प्लास्टर पर चारों को मिक्स करके उसका लेप बनाकर प्लास्टर किया गया है सर। आज से 4 महीने पहले सामने वॉश टावर पे बिजली गिर गई थी, 20 जने खत्म हो गए थे, 16 जने घायल हो गए थे, उसके बाद में वहाँ रोक लगा दी जाने के लिए। सर ये चिमनी है मारवाड़ी भाषा में, इंग्लिश नेम इज गीजर, दोनों साइड में लकड़ी जलती थी, अंदर बीच सेंटर में तांबे की प्लेट लगी हुई है, लकड़ी जो जलेगी तो तांबे की प्लेट गर्म होगी, और तांबे की प्लेट गर्म होगी तो अंदर पानी की टंकी गर्म होगी। अंदर में आधुनिक हिसाब का हमाम है जो अभी आपको बताया जा रहा है। ये जगह अंदर में होगी तो रानी जी का दम घुट जाएगा, इसलिए दोनों साइड में हवा पास होने के लिए वेंटिलेशन के लिए गेट वगैरह दे रखते हैं। अब आपको रानी का हमाम बताया जा रहा है। देखो सर ये रानी के टॉयलेट है पर्सनल, पूरी बिल्डिंग में 99 टॉयलेट है। एक ओपन है जो भी आपको बताया जाएगा, ये नाइट में कैंडल उस जमाने में घी के और तेल के लिए। ये देखो आप, ये रानी का हमाम है, फर्स्ट नेम ही हमाम, सेकंड नेम ही जकूजी, बड़े बड़े घरों में बड़े बड़े उठलों बनाया जाता है। थर्ड नेम इज बाथटब सर, बैठने के लिए 4 चेयर है मार्बल की, ये रोशनदान वगैरह हवा वगैरह पास होने के लिए आपके बगल में। ये परफ्यूम का टंकी है, इसमें केवड़ा गुलाब मिक्स रहता था। अब आपको पानी का सिस्टम बताया जा रहा है कैसे इसमें पानी आता था। ये तो ठंडा पानी है सर, मैं आपको प्लेट बता रहा था, ये गोल गोल लगेगी अंदर अंडरग्राउंड में, पानी गर्म होगा। ये नाला यहाँ से पानी छोड़ते थे, ये नाली बना रखी सर, सामने बड़ा नाला है वहां से अंदर। परफ्यूम पानी मिक्स होने के बाद में रानी स्नान किया करते थे, बाहर आएगी ये ड्रेसिंग रूम में ड्रेस वगैरह चेंज करने के लिए, ये बाल वगैरह सुखाने के लिए, ये बॉडी मसाज के लिए। सर यहाँ पे कारपेट बिछते थे, नानी की बॉडी मसाज होती थी। उस जमाने का बोलते थे कि शादी होती थी 10 नौकराना देश में आया करते थे, रानिया काम था खाना पीना सोना सब काम नौकर किया करते थे। टॉप में डिजाइन नहीं था, डायमंड भी जैसे कोई डायमंड वगैरह लगा रखा हो। ये बिल्डिंग ये रियल गेट है, चंदन की लकड़ी के 350 साल पुरानी गेट है, पूरी बिल्डिंग में 10 गेट बचे हुए हैं। अब जो नए गेट सरकार लगा रही है सब बबुल की लकड़ी के लगाए जा रहे हैं। और तीसरा नाम दीवाने खास है। टॉप में गिलास देखिए आप, बेल्जियम में 350 साल पहले इंडिया में गिलास नहीं था, राजा ने बेल्जियम से मंगवाया था। पीले का जितना जो काम देखोगे आप पूरा गोल्ड का काम है। गिलास जितना जो चिपका रखा है सिंपल पाउडर प्लास्टर पैरिस में चिपका रखा है। जय मंदिर जहाँ आप खड़े हो जयसिंह की बनाई बिल्डिंग है। अब एक मिनट इधर आइए आप, ये दीवाने खास है, राजा के जो पर्सनल गेस्ट होते थे राजा उन्हें अंदर बुलाते थे, आम आदमी को नहीं। मूवी देखा आपने मुगले आजम,
मधुबालन डांस अंदर ही किया था, एक लाइन फिल्माई थी यहाँ पे, बाकी सेट अलग से बॉम्बे में तैयार किया गया था, आइडिया से लिया गया था। राजा ने रानी के लिए तीन मौसम के तीन बेडरूम बनवाए थे, सर्दी गर्मी बरसात, ये विंटर बेडरूम है सर्दी के लिए। सर उस ज़माने में लाइट नहीं होती थी, ओलेम जलते थे घी के और तेल के दिए, पूरा गिलास अंदर गर्म होता था, रात में रानी और राजा आराम किया करते थे। बेडरूम लोकल पब्लिक की वजह से बंद कर दिए क्योंकि लोग बाग नीचे गिलास निकाल के पूरा ले गए, रिसेंट सब दोबारा काम चल रहा है। ओरिजिनल गिलास ये है जिस पे गोल्ड का काम किया गया है, बाकी सभी डुप्लीकेट काम है। सर 3 साल हो गए काम चलते हुए, आमिर का पैकेज है 10 करोड़ का, क्योंकि बिल्डिंग आप घूमने आए ओवर लेटी साइड में आ चुका है, यूनेस्को के पास भी जितना जो पैसा खर्च हो रहा है सब यूनेस्को कर रही है, जो टिकट का पैसा आप देखिए वो कर्मचारी की तनख्वाह वगैरह में जा रहा है। अब आपको कटिंग बताते हैं, पैसा मजदूरी मिलती थी ओनली 1 पैसा, 1,000 रुपये अपन रोज खर्च करेंगे तो भी कार्बन नहीं डलेगा जो तो आदमी होंगे, उस जमाने का हक का काम है। पहला फिगर देखो आप, बीच वाला पोर्शन देखिए आप, ये बन गया फिश मछली। ओके, सेकंड देखो आप एलिफेंट टन, हाथी का सूंड। टॉप में देखो आप कोबरा का पल स्नैक। ये बन गया क्रैप केकड़ा। ये पूरा बन गया स्कॉर्पियन बिच्छू। हाफ पोर्शन देखो आप डियर। इनसाइड इज बटरफ्लाई तितली। डाउन में देखो आप ये बन गया हनीबी मधुमक्खी। लास्ट में देखिए आप टन ऑफ लॉइन, लॉइन का पूछ। कलर देख रहे हो आप, दोनों में कलर नहीं है, ब्लैक स्टोन है। टॉप में मुगल है, डाउन में हिंदू है, कटिंग करके चूंट किया गया है। पहला काम आमेर में, उसके बाद में आगरा के ताजमहल में। सवाई जयसिंह जी ज्योतिष के गाथा थे, पूरी ऑल इंडिया में 5 जंतर मंतर बनवाए थे सर उन्होंने। पहला जयपुर है, दूसरा दिल्ली है, तीसरा उज्जैन है, चौथा मथुरा है और 5वां बनारस है। प्रेजेंट में जो काम कर रहा है हमारे जयपुर का काम कर रहा है। अब मैं आपको टॉप में लेके चलता हूँ, गर्मी का पोर्शन बताया जा रहा है आपको, वेलकम मंडो। यहाँ से आइए सर, ये देखो सर, ये रानी का रिक्शे का रास्ता है। अच्छा जी, गाड़ी के लिए एक पहिया इधर एक पहिया इधर, गाड़ी की आवाज़ नहीं आएगी, रानी को एहसास नहीं होगा मैं गाड़ी में बैठकर ऊपर जा रही हूँ, रिटर्न अभी आपको गाड़ी बताएंगे। सर इतने स्वाद मंदिर, शादीशुदा जो हमारा इन लोग होती थी मैरिड क्यों सीडियर इन साइड अनमेरिड एंड विडो इन साइड नोट लाउट। डाउन साइड इज मीटिंग हॉल, जितनी मीटिंग होती थी रानी वेट किया सेटिंग किया करते थे, राजा फाइट करके आते थे, यहाँ से उनका स्वागत फूलों से किया जाता था। वही दोनों फिगर हिंदू एंड मुगल, दिस फ्लावर इज हिंदू आर्ट एंड स्टार इज मुगल आर्ट। राजस्थान मकराना मार्बल का काम है सर, कंप्लीट हैंडक्राफ्ट का। ये आमने सामने लेडीज गेस्ट हाउस है दोनों साइड में, मैन रानी या पटरानी बैठती थी, ब्लैक कलर के पर्दे लगते थे। उस जमाने में रॉयल फैमिली का चेहरा आम मर्द नहीं देख पाते थे, इसीलिए कटन हुआ करता था। अब यहाँ से आप फोटो लो, बहुत अच्छी फोटो बनेगी आपने। बीच में देखो कॉपर पाइप है, 350 साल पुराना कॉपर पाइप है सर ये, इसका कॉन्टेक्ट है सामने छतरी, इसके बिल्कुल बैग में पानी का टैंक है। टैंक फुल होने के बाद में कॉपर है पानी से फुल हो जाया करते थे। 3 जो विंडो देख रहे हो आप बड़ी वाली, इनमें कसकस के पर्दे बांधे जाते जो अपने कूलर में लगते हैं। डायरेक्ट पानी पर्दे पे आता था, हवा के साथ में कोल्ड होकर अंदर जाया करता था, उस जमाने का बिना लाइट का एयर कंडीशन है। मार्बल देखो आप, इटालियन मार्बल है, डिजाइन देखो जैसे कोई पालकी वगैरह बिछा रखी हो। गुम्बद वगैरह कंप्लीट ब्रास के, गोल्ड पॉलिश का काम है। अभी प्रेजेंट में रिपेयर हुई है बिल्डिंग, क्योंकि गिलास नीचे गिरने लग गया था, सरकार इसी मसाले को निकाल रही है, मशीन में फिल्टर किया जा रहा है, रिटर्न इसी को काम में लिया जा रहा है। टॉप में राजा की आर्मी रहती है सर पहाड़ी पर, दिस स्पोर्ट नेम इज जैकड़। रॉयल फैमिली के पास उनका निजी संपत्ति है सर, पहले आर्मी के लिए बना है, बाद में रहने की रेडियंस वगैरह नीचे तैयार हुआ है। ऊपर टॉप में कैनन है, कैनन फाउंड्री है, कलेक्शन है। हिंदी मूवी देखा आपने खुदा गवाह, काबुल अकेला इसी को बनाया गया था, लाल बादशाह। अभी नई पिक्चर रिलीज हुआ है पद्मावत, संजय बंसाली जी को ऊपर ही पीटा गया था, गलत फिल्म आ रहा था वो। अच्छा, यहीं पे था। हाँ, कभी राजपूतों की लेडीज मुजरा नहीं करती है, उसने मुजरा फिल्मा दिया था। देखो मूवी वगैरह मनोरंजन का साधन है सर, मनोरंजन के हिसाब से बना सकते हैं, समाज पे कभी मूवी नहीं बनती है वो तो है। तो टॉप में आर्मी के लिए किंग का रेजिडेंस हुआ करता था। अब जोधा यहाँ नहीं रहती थी, अब जोधा का महल अब आपको बता रहे हैं पुराना महल 8th सेंचुरी का। तो वहाँ ऊपर जाना अलाउड है? नहीं, वहाँ कुछ भी नहीं है, कैनन के लिए जाओगे बस आप। अच्छा, कैनन वेरी गुड मोनूमेंट जयपुर सिटी पैलेस,
जो बिल्डिंग घूम रहे हो ना आप, इसका पूरा कलेक्शन वहीं रखा हुआ है। और आप किराया बड़ा खर्च करोगे, 500-600 रुपए ऊपर दोगे, अकेले कैनन देख के नीचे आ जाओगे सर। तो वहाँ जाने लाउड नहीं है जो उनकी सामने है, वहाँ बंद है सर, वो अच्छा। काम चल रहा है उसका, गीली छत। अच्छा अच्छा अच्छा। कहते हैं वो सीमेंट की छत है, 4-5 घंटे में सेट हो जाती है, लेकिन ये चूनी की छत उसको 60 दिन चाहिए सेट होने में। अच्छा जी। इसको गीला किया जाता है, बांस की लकड़ी से कूटा जाता है, जितना कूटोगे उतना ही पक्का होगी। ये देखो आप, वो मैंने आपको फंड बताया था, ये बिल्डिंग का बैकग्राउंड है, ये नीचे पूरा ओल्ड जयपुर है, जितने जो डैमेज मकान देख रहे हो आप पूरी 10th century के हैं। अपसर डाउन में गवर्नमेंट तब से प्लाट वगैरह कर चुके हैं, कुछ आमदन का लोगों ने कब्जा कर रखा है। थोड़ा इधर आइए आप मेरे पास, नीचे बिल्डिंग देख रहे हो आप, ये बड़ी वाली, ये 8th century का बिल्डिंग, 8वीं शताब्दी का। पहले राज परिवार नीचे रहता था, भगवान दास, बारमल, जोधा, मानसिंह सब नीचे रह गए हैं, और जोधा की शादी अकबर के साथ नीचे से की गई थी। बिल्डिंग कंप्लीट होने के बाद में रॉयल फैमिली ऊपर शिफ्ट हुई है, नहीं पहले राज परिवार काम नीचे था। नीचे के मूर्ति से दिख रही है, ये सब मार्केट है। नहीं, जो मूर्ति दिख रही है मार्केट है पूरा नीचे। अच्छा अच्छा अच्छा। ये पहले नौकरों के मकान थे सब, सर्वेंट क्वार्टर। अब ये गवर्नमेंट ने क्या लीज पे दे दिए, कमर्शियल नहीं होना चाहिए फिर भी कर दिया गवर्नमेंट ने। अब देखो ये कड़ावे रखे हुए, जोधा पर मूवी जो देखा ना आपने सर, जोधा ने ही कड़ाव में खाना बनाया था, सिंगल पीस में थे, डैमेज हो गए, बिल्डिंग करके रखे गए हैं। अभी अपन नीचे चलेंगे तो आप करीब से देख लेना सर, शूटिंग वाले यहीं छोड़ के चले गए। अच्छा, क्योंकि ट्रांसपोर्टर का पैसा लगता है, इसीलिए यहीं छोड़ के चले गए सर। आप जहाँ पे खड़े हुए लेडी चेक पोस्ट है दोनों साइड में, 24 आवर लेडीज गार्ड की सर्विस, क्योंकि राजा के अलावा आम मर्द बिल्डिंग में अलाउ नहीं है खड़े इसमें। हाँ सर। अच्छा। या तो राजा या रानिया या फिर छक्के, क्योंकि 6 महीने मानसिंह आम में रहता था, 6 महीने दिल्ली रहता था, साला भी था और चीफ कमांडर भी था। ऊपर का हो गया, अब आप नीचे वाले पोस्टर में चलते हैं। ये भोजन शाला है, डाइनिंग हॉल, अंदर बैठकर रोज फैमिली भोजन किया करते थे। सब नया रिपेयर है, इसलिए सरकार ने जाली लगा दी देखने के लिए। अब देखो आपने पहला बेडरूम देखा आपने सर्दी के लिए, टॉप में बताया मैंने आपको गर्मी के लिए, ये देख लो आप बरसात के लिए, आधे पोस्टर में छत नहीं है। जैसे रनिंग वाटर स्टार्ट हुआ करता रेन वाटर, सामने कॉर्नर पे रानी का बेडरूम है, रानी बेडरूम से बाहर आती थी, दासियों के साथ में खड़ी होकर बरसात का उठाया करती थी, इसीलिए सर अंदर वाले पार्ट को बिल्कुल ओपन खुला छोड़ा गया है। देखो बैग में जितना जो आटा आप देख रहे हो पर्सनल आटा पूरा है, कलर कंप्लीट नेचुरल है, पूरे ग्राउंड पे कारपेट बिछते थे, आगे कटल लगा करते थे। अब आपको रानी का बेडरूम बता रहे हैं, गाड़ी बता रहे हैं। ये देखो आप, ये रानी का बेडरूम है, रानी की रिक्शा गाड़ी है। राजस्थान जयपुर में दो फेस्टिवल मनाए जाते हैं सर, गणगौर एंड तीज। रानी पहनती थी साड़ी मुगलों की साड़ी, रियल गोल्ड की, 10 kg ज्वेलरी और बॉडी, 60 किलो रानी वजन होता था, पैदल नहीं चल पाती इसलिए गाड़ी यूज किया करते थे सर। दो लेडीज पीछे, दो लेडीज आगे, उस जमाने में रबड़ नहीं होता था, पहिए पे कपड़े की निवाड़ लगा रखी है। नाम सुना आपने बल्लभ भाई पटेल, जब रजवाड़े खत्म हो गए थे सबसे पहले जयपुर स्टेट के राजाओं ने अपने मोनूमेंट गवर्नमेंट को लीज पे दिए हैं। जितना बड़ा बिल्डिंग आप घूम रहे पूरे बिल्डिंग का किराया 1.25 रुपीज पर मंथ राज परिवार को दिया जाता है। 33 साल गुजर चुके हैं, 66 साल बाकी हैं, राज परिवार में कोई बचेगा तो ले लेगा, सरकार तो कमाई रही है सर। आर्टिकल जयपुर के 3 ही फेमस है, नाम सुना आपने महारानी साड़ी, सुना सर महारानी सर, 1.25 लाख धागों से तैयार की जाती है, एक साड़ी को बनाने 15 से 20 दिन लगता है। दूसरा बनता है बेड कवर, और तीसरा आइटम बनता है 100 ग्राम वेट का रजाई, रुमाले बांध के ले जाओगे आप, इतना सा पैकेट होता है। चौथा आइटम यहाँ का स्टोन का, जस्ट मैंने आपको एक्सप्लेन किया था सवाई जयसिंह जी ज्योतिष के क्या था, पूरी दुनिया में 5 जंतर मंतर बनवाए थे, नाम उन्होंने कमाया था। जयपुर जो बसा है सेकंड पैरिस, आप किसी भी गली में चले जाना आपको मैनचोरा पर लाए खड़ा करेगा। 2 कॉपी है पैरिस की, गार्डन का नक्शा बनाने वाले थे विद्याकर भट्टाचार्य जी, कलकत्ता से बुलवाया था उनको पूरे जयपुर का नक्शा बनाने के लिए, उनके लिए रहने के लिए हवेली बनवाई थी राज परिवार ने, और 10 बीघा के अंदर गार्डन बनाया था, आगरा रोड पर बना हुआ है उन्हीं के नाम से, विद्याकर जी के नाम से। क्योंकि उस जमाने में क्या है, ये आर्टिस्ट लोग होते थे, इनाम इनाम नहीं लेते थे, बस ये कहते थे भाई हमारा भी नाम चलता रहे, ऐसा कोई मोनूमेंट बना दीजिए। उन्हीं के नाम पर बना दिया, उन्हीं के नाम से गार्डन। ये देखो आप बिना लाइट गए सी है, उस जमाने का सिंगल पीस मार्बल है, इसके टॉप में वाटर टैंक है, उसमें परफ्यूम डालते थे, डायरेक्ट पानी ऊपर से नीचे आता था, दोनों साइड में हवा पास होने के लिए जाली है, पानी हवा दोनों अंदर में टकराया करते थे, पूरा बरामदा कोल्ड हो जाया करता था।
तीन जो विंडो देख रहा आप रेशम के पर्दे लगते थे, जितना पानी ऊपर से नीचे आएगा नाली के द्वारा पानी बाहर निकालेंगे। सर रिसेंट इसी पानी को लेदर के एक मशक के द्वारा ऊपर टैंक में सप्लाई किया था लेडीज गार्ड के द्वारा, क्योंकि मशीन सिस्टम था नहीं उस जमाने में। गिलास से भी कवर किया ये, पहले ओपन था सर ये। अच्छा, टॉप में देखो आप लोहे की रिंग। सावन भादवे के महीने में राजस्थान में हर घर में झूले डलते हैं, चांदी के झूले लगते थे, दासियाँ उनको झूले वगैरह झुलाया करते थे, और रानी जी के पैर पानी में रहते थे तो रानी जी का दिमाग ठंडा रहता था। जमाने में दीवार पे नक्शा बना के छोड़ दिया करते किसी गेट के ऊपर, ये गार्डन का मैप था। सब पब्लिक डैमेज करके चली गई क्योंकि पहले कोई सुरक्षा नहीं थी। अब सरकार ने 50 होमगार्ड लगा रखे, 50 सुपर लगा रखे साफ सफाई के लिए, देख रेख के लिए। मेन गेट सैंडलवुड का है, हाथी दांत का काम है, राजा की दो रानी थी, फर्स्ट बेडरूम फर्स्ट रानी के लिए, सेकंड बेडरूम सेकंड रानी के लिए। पहली रानी का नाम चंद्रावती, सेकंड का नाम कंथा देवी। बेडरूम दोनों के अलग अलग, बरामदा है झूला दोनों कॉमन हुआ करते थे। अभी आपने दो राजा का बिल्डिंग घुमा है, मीटिंग हॉल देखा आपने सवाई जैसे में, जिस बिल्डिंग में आप लोग बिल्डिंग कर रहे हैं। अब आपको मानसिंह की बिल्डिंग दिखाई जा रही है क्योंकि स्टार्टिंग इसका बैक से है। अभी तो बोलते हैं ना आपको, यहाँ देखोगे नीचे देखोगे या लाइट में कैंडल घी के तेल के दिए सर उस जमाने में। अब इलेक्ट्रो सिस्टम डाल दिए, कैमरे लगा दिए ये वेंटिलेशन के लिए। गैलरी इसलिए बना रखी रानी बरसात में नहीं भीजे, अपने बेडरूम तक पहुंच सके आने जाने के रास्ते सर। ये बिल्डिंग का पहला पार्ट है, बैक वाला जो बिल्डिंग देखा था आपने 350 साल पुराना था, ये 1590 का बिल्डिंग है, 1590s। अच्छा, योर स्टार्टिंग है भगवान दास कंप्लीट मानसिंह, मानसिंह इज 12 वाइफ, 12 रानी थी सर उनके। अच्छा, 12 रानी के 12 बेडरूम है। ये पहला पार्ट है पहली रानी के लिए बरामदा, जहाँ पे आप खड़े हो। रानी जब उठती थी मॉर्निंग टाइम में सबसे पहले भगवान के दर्शन किया करती कृष्ण और राधा के, उसके बाद में उनको कार्य किया करती थी। जितनी खाली जगह देखते हो सब डेकोरेट पीस रखने के लिए। अब अंदर भी कैसे चाहो तो कामा सूत्रा की पेंटिंग थी यहाँ पे, बिल्कुल नकली पेंटिंग है, लेकिन अपने इंडियन के साथ में बहन बेटी आती है इसलिए सब पे व्हाइट कलर करवा दिया है। अब एक बेडरूम खुला हुआ है, आप मेरे साथ अंदर आइए। क्या बोलोगे वो फर्क पड़ता है? हाँ जी होता है। अपने लोग सब बच्चे के साथ आते हैं, ये रानी का बेडरूम है सर, ये रानी का बेड लगता था, ये विंडोज वगैरह गवर्नमेंट ने बंद करवा दी है, ये भी लाइट मंकी वगैरह डालते हैं, गर्दी वगैरह फैला देते हैं, अगर वेंटिलेशन नहीं होगा तो रानी का दम उड़ जाएगा। इसलिए सर उस हमारे में दोनों साइड की खिड़की होती थी। बिल्डिंग तीन मेटल से बनाई गई है, चूना मिट्टी और गुड़ तीनों पोर्टल करके फर्श में और दीवार में काम किया गया है सर। ये चूने की बिल्डिंग ठंडी रहेगी, सीमेंट का मकान गर्म रहेगा, लेकिन उस जमाने में सीमेंट का काम होता नहीं था, गर्म का चूना होता था। देखो बैठक बड़ी होती थी, बरामदे बड़े होते थे, बेडरूम स्टोर रूम और किचन एक फोर से लेकर आने के लिए। ऐसे 15 कमरे हैं, 12 सबको खोलने का, पब्लिक नाम लिख लिख के बढ़ जाएगी। ये टॉयलेट बाथरूम है सर, अच्छा अटैच है बेडरूम से। ये किचन है, ये किचन का बरामदा है मसाला वगैरह कूटने के लिए। ये एक रानी का सर, ऐसे 12 हैं। ऐसा डाइट नजर नहीं पड़ती किसी की। ये देखो चौथे नंबर पे, ये रानी का वाट टप रानी के लिए। देखो 16th century में आधुनिक काम नहीं था, सिंपल हिसाब से बनाया गया सर। बीच में कॉपर पाइप है जहाँ मिट्टी जमी हुई है, इसका कॉन्टेक्ट सामने टंकी से गर्म पानी परफ्यूम डालते थे उसमें। अच्छा, टंकी है सर, ये डायरेक्ट पानी यहाँ आता था, रानी स्नान यहाँ किया करती थी। पूरा बिल्डिंग लेडीज अपार्टमेंट है, इसीलिए ओपन स्विमिंग पूल है, रिंग वगैरह सब बच्चों के विषय लगा रखा है। अब आपको बताया जा रहा है लेडीज कोर्ट, ये देखो आप पहला बेडरूम पहली रानी के लिए, 1 2 3 एक वार्ड में तीन है। अच्छा, तीन उस लाइन में है, तीन आपके पीछे हैं, तीन आपके सामने। साल की 12 राशियां होती है, 12 राशियों के हिसाब से राजा की 12 महारानी थी। अच्छा अच्छा, एक पर मंथ एक रानी। राजा ऊपर रहते थे, हर बेडरूम से स्टेप अटैच है, बीच में दीवार है। कभी भी किसी भी रानी के पास राजा जी आ जाया करते, दूसरी रानी को मालूम नहीं पड़ा करता राजा जी कहाँ पे, एक सस्पेंस पॉइंट हुआ करता था। अच्छा, 24 आवर लेडीज गार्ड सर्विस 24 घंटे। ये आपके सामने लेडीज कोर्ट है,
जो भी ग्यारह रानी को समस्या होती थी, मैन रानी बीच में बैठती थी, उनकी समस्या का हल किया जाता सर। जोधा का जो मूवी आपने देखा, तलवारबाजी का शूटिंग नहीं किया गया था। ये स्वारायण सूरजमल शूटिंग वाले कटन लाते हैं, सेट लगाते हैं, अपन दीवार में कील भी लगा सकते हैं क्योंकि बिल्डिंग आर्कियोलॉजी के अंडर में। ये तो देखा आपने पूरा रजवाड़ा, अब आपको दिखाई जा रहे हैं सरवन क्वार्टर और परजन जो राज परिवार, उसकी फोटो यहाँ लगा रखी जो अभी आपको दिखाई जा रही है। गढ़ों में गढ़ चित्तौड़गढ़ यू नो, गढ़ों में गढ़ चित्तौड़गढ़ और सब गढ़ लिया, ताल में ताल नैनी ताल और सब तलैया, और रानी में रानी पद्मावती वागी सब गढ़िया। श्रीलंका की राजकुमारी थी, राजा रतन सिंह जी की वाइफ थी, सबसे ज्यादा बलिदान उन्होंने दिया है, इन्होंने अपनी बहन बेटी देके चुप हो गए। ये सब नया काम है, ये सब कलर का काम है, ये सारा पेंट होता ना पेंट, उससे किया गया। ये देखो आगे किचन विचन होते थे उस जमाने में, अभी कैफेटेरिया वगैरह बना दिया, सीसीडी खोल दिया इसमें। ये रास्ता जहाँ से आपने एंट्रेंस किया था वो राज परिवार का, ये नौकरों के लिए आने जाने की थी, इधर से नौकर अंदर जाते हैं, इधर से बाहर। बरसात चालू हो जाती है फिर इस पर कट लगाया जाता है, देखो ऐसे स्लिप वगैरह भी हुए आदमी। ये देखो ये राज परिवार जयपुर का, लास्ट सिंह भवानी सिंह, योर वाइफ नेम इज पद्मनी एंड डॉटर नेम इज दिव्या कुमार, जो भी है। सर राजा के बच्चा नहीं था, इस बच्चे को गोद लिए गए, इसका नाम है पद्माम सिंह। 14 साल के बच्चे को राजा बनाया गया था, अब ये लड़का 30 साल का हो गया है, पोलो में कैप्टन है। अच्छा, इनका नाम है पद्माम सिंह, जयपुर किंग अभी ये प्रेजेंट में ही है। ये महारानी गायत्री देवी सेकंड मानसिंह की तीसरी वाइफ, उस जमाने की सबसे खूबसूरत लेडीज हुआ करती थी, जयपुर से 2 बार सांसद रह चुकी है। एमरजेंसी में इंदिरा गांधी को जेल में डाल दिया था, इंदिरा जी के इनके दोनों के नहीं बनती थी। अब ये भी खत्म हो गए, ये भी खत्म हो गए, ऑर्गेनाइजर लड़की कर रही है, परजन सांसद राजसमंद से, शनिवार संडे को जयपुर आती है, बाकी दिल्ली रहती है, काम सारा ऑर्गेनाइजर ही कर रहा है लड़का। सर ये ज्वेलरी बॉक्स है, 12 रानी के 12 ज्वेलरी बॉक्स होते थे, सोने चांदी से भरे रहते थे, 11 तो सिटी पहले चली गई, एक ही देखने के रखा हुआ है, जो भी रानी गहना पहनना चाहे वही गहना पहन सकती है। लोहे के है तो पूरा लोहे का, वो तो कोई खोल नहीं सकता होगा उसको तो। लोहे का सर, ये टनल है ऊपर फोर्ट पे जाने के लिए, जैकेट के लिए, ये 4 किलोमीटर का टनल है। पहले बार जो कोरोना आया था बिल्डिंग बंद हो गई थी 7-8 महीने, सर अंदर में बेस्ट ने डेरा डाली है, चमगादड़ों ने लाखों के हिसाब से लगी हुई है, जब से सीज कर रखा है इसको 2 साल से, खुला था पहले। ये कड़ा हुई बताई मैंने आपको ऊपर से, सिंगल पीस में थे, वेल्डिंग करके रखे गए थे। टनल आपको एयरपोर्ट में देखने को मिलेगी सर, इमरजेंसी रास्ते बाहर जाने के लिए तो करते थे। ये अंडरग्राउंड रास्ते होते थे, कभी फाइट वगैरह हो जाए इधर से अंदर होते सीधे पहाड़ी पे। अच्छा, किसी को मालूम नहीं कानों कान कहाँ गई सेना। ये काली मिट्टी का घड़ा, जितना बड़ा घड़ा है उतना ही गहरा खड्डा किया करते थे, जमीन में दाब के रखते थे, ठंडा पानी निकला करता था। अच्छा जी, वही दिखाएंगे अपन को, आपको पैदल का काम खत्म हो गया, वो अपना अच्छा गाड़ी लगा रखी है सरकार ने अपने लिए, जिसके पास गाड़ी होती है उसकी गाड़ी ले जाते हैं, जिसके पास गाड़ी नहीं होती उसकी गाड़ी की व्यवस्था हम करते हैं। अच्छा, टिकट में ही है सारा, टिकट में ही है सर।
वो जी वाला जी पकड़ा रहा मैं। हाँ जी। फालतू पैसा वेस्ट करना था। वो तो है। जब अपने पास सब सुविधा है फिर क्या टेंशन है। हाँ जी वो तो है। वो आदमी यहाँ पे तैयार करते हैं भाई को बताया पूरा ओल्ड जयपुर ये देख लो आप यार मम्मी।